मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूं, और वो भी पिंजड़ा के अंदर पाली जाती है। बकरी जो मेमे करती है वो गले छुरी चलवाती है, भैया जरा गौर करें। मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूं, अब वो भी पिंजड़ा के अंदर पाली जाती है, और मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूं पिंजड़ा के अंदर पाली जाती है, बकरिया कैसे करती है लला? जो मैं करती है वो गले छुरी चलवाती है, बकरिया कहती है मैं, उसके गर्दन पर छुरी रखी जाती है। प्यारे भक्तों, वही बकरी जो मैं करती थी अंत में क्या कहेगी जरा गौर करें। सिया तकियो भैया ये कत्ता तो बनाई जाती है, प्यारे आंत की तांत बनाई जाती है। भाई बकरिया जो कहती थी मैं बाहर भाई तांत, दुनिया का ढंडा पड़ता है तब तू ही गाती है। भाई बकरिया जो मैं करती थी मैं, परीक्षक जी गर्दन पर छुरी रखी गई आंत निकाली गई, उसी आंत से तांत बनाई गई, और उसी तांत से जब धुनिया ने परीक्षक जी रुई धुनी तो आवाज निकली तू ही तू ही तू ही। मेरे प्यारे ये संदीप यादव जी जो यूट्यूब पर इनकी चर्चाएं काफी चल रही हैं, बजरंग बली के जय भक्त हैं, और सब लोगों से राम राम करो। ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, और ये हार डाल करके 501 पत्र मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, और मैं भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और वीर बजरंग बली की सेवा करते रहें, और जब बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी तब ऊपर वालों दया करे तो नीचे वालों करे। तो कहने का हमारा मतलब है हमारे सभी भाइयों का प्यार और हम लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद इस संदीप भाई के ऊपर बना रहे जो हमारा छोटा भाई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की परिचय। ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। आइए परीक्षित जी, देव ऋषि नारद बाबा को घमंड हो गया, अब हमारे सब